तो सबसे पहले तो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, राइट, फिर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, राइट, तो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक था वो है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को जो है वो कैसे इम्पीच किया जाता है। रिपीट करो, पहला प्रोसेस क्या होता है प्रेसिडेंट के रिमूवल का? पहला प्रोसेस, दोनों में से कोई भी हाउस में प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन जो है वो लाया जा सकता है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले नोटिस देना होता है कि भाई आपको निकालने के लिए हम रेजोल्यूशन जो है वो रख रहे हैं, राइट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले एटलीस्ट, कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना है, और उस नोटिस को कितने लोग सपोर्ट करेंगे? 25% हाउस के मेंबर जो है वो सपोर्ट करने चाहिए। अब आ गया किसी भी हाउस के अंदर रेजोल्यूशन, जैसे मैं बोल देता, मान लेता हूँ कि लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट को रिमूव करने का रेजोल्यूशन आ गया। अब उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कितने लोगों की मेजॉरिटी चाहिए? 2/3, हाउस के 2/3 लोग जो है वो उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करेंगे, और जैसे ही वो पास हुआ वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट हाउस में। जैसे लोकसभा में पास हुआ तो वो राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा क्या करेगी? उसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है कि नहीं किया, क्योंकि प्रेसिडेंट को रिमूव किस आधार पर किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन के आधार पर, राइट, कि किया है कि नहीं किया। अब ये चीज़ हमने देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन, अब उन्हें इन्वेस्टिगेट कर लिया, और मैं बोलता हूँ उन्होंने ये मान लिया कि मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार उल्लंघन हुआ है, फिर क्या होगा? तुरंत रिमूव नहीं होगा, फिर उस हाउस के अंदर फिर से वो रेजोल्यूशन पास होगा जिसको 2/3 मेंबर के सपोर्ट की आवश्यकता होगी। समझ रहे हो ये वाली बात? क्योंकि दोनों हाउसेस में 2/3 मेंबर्स की जो है वो आवश्यकता है, राइट, पास कराने के लिए। और जैसे जिस दिन 2/3 दूसरे हाउस ने जैसे ही जो है वो 2/3 मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास किया, तुरंत उसी डेट से प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। सो दीज आर 5 पॉइंट्स प्रेसिडेंट को रिमूव करने के, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन किस पर्पज के लिए लाया जाता है? सरकार गिराने के लिए, लाइक कि गवर्नमेंट का ट्रस्ट जो है वो सरकार के ऊपर नहीं रहा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या चीज होती है? ये सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं प्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेजोल्यूशन रखा गया, ठीक है, ये मोशन रखा गया, इस मोशन को रखने के लिए कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए? 50 मेंबर्स का जो है वो सपोर्ट चाहिए। 50 मेंबर्स ने जो है वो जैसे ही सपोर्ट किया, उसके बाद जो है वो कितने मेंबर्स से जो है वो पास होना चाहिए? 2/3 मेंबर से हम लोग को देखने को मिलेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है। अगर वो पास नहीं हुआ तो क्या होगा? सरकार डिसॉल्व हो जाएगी, गवर्नमेंट विल गोइंग टू डिसॉल्व, राइट। तो ये चीज हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन की कैटेगरी में जो है वो देखी थी, ठीक है। पास हाँ मतलब पास जो है वो नहीं होगा, सॉरी पास नहीं होगा तो सरकार जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। यस यू आर राइट, ठीक है, मतलब उसको मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब इट्स नॉट लाइक 2/3 ऑल्सो, 2/3 का भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए उनको, जरूरी थोड़ा है कि 75% 80%, राइट, उनको सिर्फ जो है वो चाहिए कि मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि हाउस की मेजॉरिटी। इसमें 2/3 का कोई फंडामेंटल नहीं, याद रखो, क्योंकि मेजॉरिटी, हाँ, कि उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को मेजॉरिटी जैसी मिल गई तो वो बच गई सरकार, और नहीं मिली तो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन तो चैलेंज कर रहा है ना कि भाई आप अपना प्रूफ करो, अपने ट्रस्ट जो है वो सरकार का है कि नहीं वो प्रूफ करो। सो 2/3 वाला क्लॉज नहीं है इसके अंदर, याद रखना, क्योंकि एक नेचुरल चीज सोचो ना, क्योंकि आपने लिखा है क्या 2/3 वाला क्लॉज? नहीं लिखा ना, क्योंकि वो नेचुरल है। क्योंकि अब देखो, अब एक सरकार को बनाना है, अब 2/3 के अंदर तो अपोजिशन भी आ जाएंगे, तो अपोजिशन थोड़ी ना चाहेंगे कि इसकी सरकार बने, तो दे जस्ट वॉन्ट द मेजोरिटी इन द हाउस, कि उनकी मतलब ये वापस अपनी मेजोरिटी प्रूफ करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब अपनी मेजोरिटी फिर से प्रूफ करना कि आपकी हाउस में वो मेजोरिटी स्ट्रेंथ है कि नहीं, और जब सरकार की मेजोरिटी नहीं होगी तो कहाँ से सरकार बनेगी? मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन की मेजोरिटी नहीं होगी तो सरकार नहीं बन सकती ना, किसी कंडीशन में नहीं बन सकती। तो दिस इज द पॉइंट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन समझ में आ गया। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कहीं मेंशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? कुछ लिखवाया ऐसा कुछ? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में लिखवाया था मैंने, कि किस आर्टिकल के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है इम्पीचमेंट की बात हो रही है, रिमूवल की, वो तो इमरजेंसी है 352 61 लिखा है ना, कि प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का है वो आर्टिकल 61 में है। तो ये फैक्ट जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
अब आर्टिकल 352 से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी, एक महीने के अंदर अंदर क्या होगा, दोनों हाउसेस 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है वो पास करेगी, मतलब अप्रूव करें कि इमरजेंसी कंटिन्यू रखनी है। और इमरजेंसी जैसी अप्रूव हो जाती है वो 6 महीने के लिए अप्रूव्ड रहती है, फिर बाद में हाँ करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो हट जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हाउस की आवश्यकता है ना, सिर्फ सोलली प्रेसिडेंट के डिसीजन से थोड़ा काम होगा। वो इसलिए क्योंकि देखो आपको ऑलरेडी पता है इमरजेंसी के केस में हमने अभी डिस्कस किया कि स्टेट की पावर जो है वो खत्म हो जाती है, पूरी पावर यूनियन के हाथ में चली जाती है। अब ऐसे तो अब प्रेसिडेंट किसकी बात सुनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये लिखा है ना, कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 74। ये चीज याद रखना है कि आर्टिकल 74 में ये प्रोसीजर के बारे में मेंशन है। तो अब अगर प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा देंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो उसी स्टेट में लगाएंगे जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं है, तो ये तो स्ट्रेटजी हो सकती है ना। तो ये स्ट्रेटजी गेम प्ले ना करें, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे उन्होंने क्लियर करके रखा हुआ था कि एक महीने के अंदर अंदर विद इन वन मंथ दोनों हाउसेस 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है वो अप्रूव करेंगे कि इमरजेंसी रखनी है कि नहीं रखनी। 2/3 मेजोरिटी इसलिए क्योंकि अपोजिशन के भी साथ की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए 2/3 मेजोरिटी याद रखना, क्योंकि 51% मेजोरिटी की अगर हम बात करें हाउस के अंदर इन जनरल, 51% भी बहुत ज़्यादा होता है, वो तो कभी इतने में तो सरकार भी नहीं बन रही है आजकल, राइट 51% के अंदर, राइट, क्योंकि आप देखो ना मल्टीपल पार्टीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तो जो लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसी की तो सरकार बनती है। तो इसीलिए कि अपोजिशन भी एग्री करे कि हाँ यार स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, दैट्स वाई इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी रहती है फॉर कंप्लीट 3 ईयर्स, हर 6 महीने के अंदर ये प्रोसीजर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो चलता है, फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा था, आर्टिकल 352 के अंदर, राइट। अब क्वेश्चन सुनो आप और ध्यान से इसका आंसर देना, पूरी चीज़ रिवाइज हो गई जो हमने पढ़ा। अब सुनो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। ध्यान से ये चीज़ याद रखना कि अब मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा आप बताना कि ये इसमें से एक्सक्लूसिव यानी कि पूरी तरह से लोकसभा की क्या पावर है। पहला, टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, बोलो इसमें लिखा है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, एक्सक्लूसिव है, आप बोल रहे हो है, आप राज्यसभा भी कर सकती है, तो स्टेटमेंट गलत है, हाँ तो यही उलझ जाओगे, तो राज्यसभा भी तो करती है ना, दोनों करते हैं, एक्सक्लूसिवली सिर्फ लोकसभा तो नहीं करती ना। अब सेकंड, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कंप्लीटली एक्सक्लूसिव पावर है, राज्यसभा के पास ये पावर ही नहीं है क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, दैट्स व्हाई अपन ने डिस्कस किया। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, दोनों हाउसेस के पास ये पावर है, तो इसमें करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि नो कॉन्फिडेंस का, राइट। तो ये चीज थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो और जो टॉपिक हमने जो है वो इससे कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड पढ़े हुए फटाफट क्विकली। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते बताओ, अभी पढ़ा है अपन ने, सीनियर मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं जैसे डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस, है ना, तो ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर कौन होता है, मिनिस्टर के अंडर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, इवन कई बार डेप्यूटी मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए जो है वो काम करते हैं मेनली, राइट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो जिसके पास हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा ये बताओ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या लिखा था, 15% की क्या है, 15% कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल टोटल हाउस का 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, राइट, क्लियर। तो ये चीज जो है वो किसमें लिखी हुई थी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। और आप मुझे ये बताओ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, मतलब लोकसभा में मिनिस्टर का मतलब क्या है, तो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग कैबिनेट,
और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी हम लोग को देखने को मिलता है, या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हम लोग को देखने को मिलता है राइट इसके अंदर, क्योंकि सेक्रेटरी भी जो है वो इसी पोजीशन पे आता है क्योंकि वो असिस्ट करता है। अब देखो डेप्यूटी मिनिस्टर में किसी ना किसी सेक्रेटरी को भी कैबिनेट के साथ अटैच कर दिया जाता है, क्योंकि अगर उसको लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो उसको जो है वो डेप्यूटी की पोजीशन जो है वो दे दी जाती है। तो याद रखना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भी डेप्यूटी की पोजीशन मिल जाती है टू ओवरसी भाई कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा उस पर्पज़ के लिए। तो एक्सपर्टीज को भी जो है ये पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या क्लासिफाई किया है मिनिस्टर्स को, चार रैंक में, क्या मिनिस्टर्स को रैंकिंग में बांटा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? नहीं बांटा, मिनिस्टर्स को रैंक थोड़ा दी हुई है कोई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, ये कोई रैंक थोड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन गवर्नमेंट में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड द कितना परसेंट, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कौन से टॉपिक्स जो है आज पढ़ लिए, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जाना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जाना, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जाना, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कुछ पढ़ा था, आर्टिकल 74 पढ़ लिया था, और इमरजेंसी का एक प्रोविजन छोटा सा हमने जो है वो जाना था। तो 5-6 टॉपिक्स अपन ने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर लिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, साइन ऑफ करते हैं।